कभी कभार छोटे भाई का सत्संग सुनने का अवसर मिल जाता है, आते तो इनका प्यार है, लाड है, ये एक दो भजन की ड्यूटी लगा देते हैं। तो आइए एक दो भजन के द्वारा हम भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। और वैसे तो इस परिवार में कई बार आए, लेकिन पहले रागनियों के माध्यम से आते थे, आज फिर बाबा के चरणों में दो भजनों के सुनाने का अवसर मिला है। और मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना के जितनी देर भी यहां बैठे बाबा के चरणों में हंसते हुए मुस्कुराते हुए समय बिताएं। कहते हैं कि माँ बाप को हंसता हुआ बेटा बेटी अच्छा लगता है, बूंदा थोबड़ा करे और बालक माना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जितने बाबा के चरणों में बैठे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पर एक आधा सभा में ईसा आ जाएगा, कितनी बढ़िया सभा हो, सत्संग में बैठा हो, कितनी बढ़िया आसन की बात कह लो, कितना बढ़िया भजन सुना लो, अगले का नन्नू मुंह करके लखाओगे जानू आज आके बैठे हैं। तू ऐसे नहीं तोड़ी नहीं केरे बैठे रहेंगे तड़के ताई, तोड़ी नहीं खोलने जानू सारे काम का काम इससे के सारा चल रहा है। नहीं, हंसते हुए बिल्कुल टेंशन फ्री होके दिमाग में बोध रेशन काट के बाबा के चरणों बैठे बैठे। देखो भक्तो, आज महंगाई के टाइम में टेंशन सब का है, किसी ने क्या है की किसी ने क्या है की। एक तो सबसे बड़ी टेंशन ते मोबाइल फोन है। आदमी कितनी बढ़िया जगह बैठा होगा, पार्टी में बैठा होगा, घंटी बाजेगी, घंटी बाजते काट के फोन कान का लाओगा, कहेगा हेलो हेलो, करते आगे तो आवाज आओगी कित गड्ढे है, ये टिकट छिड़े हो गए घोड़ा ने ठोकेगा ही ना के गणखरे भाई तो अपने बहुआ के नंबर आगे टेंशन लिखरे घंटी बाजे जाठाते भी। ये बड़ी भारी समस्या है। हंसना चाहिए, हंसने से आदमी की कई बीमारियां जड़ते खूजे हैं। देखो भक्ति के साथ साथ हंसना भी जरूरी है। आज महंगाई के टाइम में इंसान हंसना भूल गया, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या कि रोज अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, न्यू कहेंगे कि भाई सांझ के ठीक ठाक सोया था, तड़के न्यू का न्यू पाया, के होया अखाट फैल होगा। तो हंसना चाहिए, हंसने से कई बीमारी जड़ तक खुज जाए। और मैं खाम का नहीं कहता, मोबाइल को टेंशन ये बड़ी भारी समस्या है। एक भाई की पढ़ी लिखी बहु, उसका इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू देने चली गई, बढ़िया कंपनी थी, सिलेक्ट होगी, उन्होंने कोठी दे दी, अन्न फिर नकार दे दी। उसने बेचारी ने सोचा तू अपने लोग तो बता दे, ई बैग में तो फोन का दिया और जब मिलाऊ लगी ना एक नंबर गलत दब गया, एक नंबर गलत दबते टेंशन चालू होगी के मिलावट थी तो अपने दोरे, और वो नंबर गलत दबण में जा मिल रहा इसे दोरे जिसकी बहु मरी थी, वो जब दाग दे का आया था आदमी। हम बैठे बेचारा घंटी बाजी काट के देखा फोन नंबर भी ओपरा, फिर ने सोचा भाई किसी ने बेरा लाग गया होगा, तसल्ली करता होगा, फोन कान के लगा बोला हेलो हेलो, करते आगे तब आ जाई, ये मेरी चिंता मत करिए मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ। उसने सोचा रहा फूक के करता ही बिना लिया क्या सवारी थे आगे इतनी तबड़ी ने आड़े बिना दिखती और आगे बद की ने बोली देखे ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, और कदे मेरे फकर में भूडा थोबड़ा करे बैठे रे, अरे माहौल ठीक होते तो नबी आड़े बुलाऊंगी। तो बड़ी भारी टेंशन से बच गए। बोली बालाजी महाराज की, आइए एक भजन। तो आइए एक दो भजन के द्वारा हम भी बाबा के चरण में हाजिरी लगाएंगे। भाई के गाए हुए भजन है, कैसे आइए आइए। हो बालाजी तरसत खा दे, मैं तेरा हो लिया। आइए जो भी भगत बाबा के दरबार में आया शायद उसके मन से एक ही आवाज निकली, क्या हो बालाजी दर्श दिखा दे मैं तेरा वो लिया।